वर्णन किया है, समझदार देवियां हैं, नारियां हैं, वो अपने पति का नाम नहीं लेती। आज तो भैंसन चलिए नाम भी ऐसे लें कैसे तो हमारे यहां कोई ड्राइवर को भी ना बुलाए, जैसे वो अपने आदमी को अपने साहब को बुलाती भैंसन है। अब एक ही स्कूल में पढ़े थे, चाई माई मही की माई, तो वो तो तभी से नाम लेते रहे, वही अभ्यास बढ़ाए। ताप क्रिया भिट हो गई संस्कृति। भरतुर नामन गृहडाती हायो शस्य ये वृद्ध है। आज हमारी माताएं वृद्ध माताएं घर में बड़ी तकलीफ में है। क्यों तकलीफ में है? क्यों वो हो रहा है जो उन्होंने कभी देखा नहीं है, वो इसलिए परेशान है। शायद वह माता भी खोपड़ा पकड़ करके रोती होगी किसी सरोवर के किनारे बैठ कर। मैंने परदेश में कई देशों की यात्रा की है, 2006 में मैं बाहर था, मुझे तो सूट ही नहीं करता, मेरे देश से तो बढ़िया क्या होगा, जो देखा क्या बताऊं, भला आदमी अपने आंख फोड़ ले सूरदास की तरह, कीला डाल ले आंखों में। मेरे संग जो थे कहा महाराज जी द्वारा मत आना, ये देश तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, यहां तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है यहां तो। धन्य है हमारा भारत, इसलिए इसको मां कह करके पुकारा जाता है, क्योंकि यहां की संस्कृति को माताओं ने ही बचाया है, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। यहां पर सावित्री, मदालसा, सांडिल्या, लोपामुद्रा, सुलभा ऐसी देवी हमेशा चल करके आई, जिन्होंने गौरव पढ़ाया यहां का। हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कि माता पिता के सामने पत्नी का भी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आज के तो भोलू बड़े स्वर लगा लगा करके नाम लेते हैं, राधा सब लाल लज्जा मान मर्यादाएं कूड़ा करकट हो गई। बहुत बहनों को माताओं को मेरी बात मलूक भी लग रही होगी और बहुतों को मिसमिसी भी आ रही होगी, तो बगल में हो तो एक ठूंसा ठूक दे, लेकिन मैं तो बहुत दूर हूं, यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं। आप कह रहे होंगे नहीं ऐसा नहीं कभी हो सकता, हमें ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है।